माय चैनल खाना विद सेहल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। पुलाव जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके लिए मैं 250 ग्राम चावल को लूँगी, ये पनीर है 50 ग्राम, और ये मटर को लूँगी। हरे मटर सीजनिंग है और ऑप्शनल भी है। इसके लिए मुझे साजीरा लेना है, ये चक्री है, ये लौंग, ये दालचीनी, एक काली मिर्च है, ये लौंग, मैं दो जो है इलायची का यूज़ करूँगी, और ये जीरा और ये तेज़पत्ता। ये बासमती चावल है, इसको मैं आधा घंटे के लिए भिगोऊंगी अच्छे से, फिर स्टीम करके पुलाव में बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, मैं आधा घंटा चावल को भिगो ली थी, अब मैं इसको स्टीम करूंगी। स्टीम राइस बनाने से इसका स्टार्च निकल जाता है, जो कि सेहत के लिए ठीक रहता है लोगों को, अगर डायबिटीज भी किसी को है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। देखिए मैं नमक को डाल रही हूँ इसमें, मैं 1 से 1.5 चम्मच, और ये रिफाइन ऑयल डालूंगी, बिल्कुल 1 चम्मच डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है ऑयल को। और ये मैं मटर को डालूंगी, जिससे मटर इजली पक जाए। देखिए फ्रेंड, इसको मैं ढक के रख दूंगी। और खास बात ये है, स्टीम चावल के लिए हमको चावल से 4 गुना पानी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो चावल उसी में पक जाएंगे, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। फ्रेंड मेरा ये चावल जो है उबल रहा है, देखिए फ्रेंड मेरे चावल पक गए हैं, ये देखिए। अब इस पानी को मैं निकालूंगी छान कर। देखिए फ्रेंड, मैं इसको छानूंगी अच्छे से, जिससे सारा स्टार्च जो है निकल जाए। मटर भी मेरे पक गए हैं। देखिए फ्रेंड, मैं आप तड़का मारूंगी, आप चाहें तो कुकर में भी कर सकते हैं या तो कढ़ाई में, आपके पास जो अवेलेबल हो। देखिए फ्रेंड, मैं घी डालूंगी, हाथ से बना हुआ घी है, शुद्ध देसी गाय का घी। देखिए फ्रेंड, मेरा घी बिल्कुल गर्म हो गया है, मैं तेज पत्ते को डालूंगी, आधा चम्मच जीरा डालूंगी, आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा साग डालूंगी, क्योंकि कम से टेस्ट पसंद है। इलायची डालूंगी। देखिए फ्रेंड, मैं 4-5 जो है 8 जो है लौंग डालूंगी इसमें। ये काली मिर्च है, इसको डालूंगी। ये चक्री है। देखिए फ्रेंड, मैं पनीर को डाली हूँ, इसको हल्का सा घी में रोस्ट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड, मैं चावल जो है इसको डालूंगी पके हुए। देखिए फ्रेंड, मैंने नमक को टेस्ट किया, उसमें कम था इसलिए मैं डाल गई हूँ, आप भी टेस्ट करके डाल सकते हैं आपको जैसा नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, क्योंकि थोड़ा सा पानी नमी लगता है, इसको ढक के रख देंगे तो बिल्कुल पानी सूख जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखेंगे, इसको ध्यान देंगे चावल को। देखिए फ्रेंड, पुलाव मेरा बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। और आप मेरे इसको बना के ट्राई करिए, कमेंट करके बताइए कैसा बना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल पुलाव मेरा अच्छे से रेडी हो गया है, और आप भी बनाइए और कमेंट में बताइए कैसा बना, और मेरे चैनल को लाइक।